के पेड़ों के नीचे पढ़ाई करनी नहीं। मान्यवर रामदास सिंह जी आगे, मान्यवर रामदास सिंह जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं, साथियों के हाथ में हैं। मेरा निवेदन है कि लाइन बना करके सिस्टम से खड़े हो जाए ताकि भी हो जाए और आप उनका मान सम्मान भी कर दें। देखिए आप इस पार्टी के साथ नीचे आपके गाँव के नौजवान बच्चे मान सम्मान के साथ पलक पावड़ा बिछाकर अपने नेता के लिए 5 बजे से यहाँ 4 घंटों से बैठे हुए हैं और बेसब्री से अपने नेताजी का इंतजार कर रहे हैं। और सभी मेरे साथियों से विनती है कि वो अपना स्थान लें और बड़े संयम से राव दान सिंह जी के विचार सुने। जो अपील आपके पास लेके आए हैं उस पर ध्यान दें। और मैं अपने साथी मित्रों से माता बहनों से गुजारिश करूंगा जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं आगे राजवीर हरिजन समाज से राव दान सिंह का सम्मान करें जोरदार तालियों से। धन्यवाद नम्रदार साहब, आपने आपके समाज ने जो हमारे को इतनी इज्जत और मान सम्मान दिया है, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। अब मैं दानक समाज से प्रधान कृषक समाज से नेताजी का बड़ा स्वागत करते हैं। पगड़ी बनाकर जोरदार तालियों से नेताजी का सम्मान करें जोरदार तालियों से। ब्राह्मण समाज की तरफ से जो सम्मानित करते हैं और पुरजोर लगा रखा है काम में इन्होंने नेताजी के लिए, पुरजोर संग्राम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो नेताजी को पगड़ी बनाकर आगे की करी। और साथ में हमारे 82 साल के बुजुर्ग जो रात का 9:30 बजे का समय है और अब टिकटिकी लगाए अपने भूगोल नेता के लिए बैठे हुए हैं, जिसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरिजन समाज से भाई सुभाष बहुत बहुत धन्यवाद, जो नेताजी को आपने मान सम्मान दिया है इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब सुब्बे सिंह जो पुराना दोस्त है राव दान सिंह का, जो सुब्बे सिंह पुराना दोस्त है, जो पगड़ी नहीं है लोई बनाकर लोई भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्बे सिंह बोरा जी, हाँ सुब्बे सिंह बोरा जी। अब मैं गोपीराम भाई साहब को आमंत्रित करूंगा, पहले लीलाराम जी आ जाओ आप। बहुत बहुत धन्यवाद बोरा जी, आपने ये कीमती समय लगाया और मैं कहता हूँ कि 5 तारीख तक इसी तरह है आप मजबूती के साथ बुद्ध को संभाल कर और नेताजी को अच्छे वोटों से विजय बनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लीलाराम पंत साहब को आमंत्रित करूंगा जो पगड़ी बनाकर सम्मानित किया है। अगली कड़ी में मैं गोपी को बुलाऊंगा, वो नेताजी को पगड़ी बनाकर सम्मानित करें। अब मैं सूबेदार राजेंद्र सिंह को आमंत्रित करूंगा जो पगड़ी दिए बहन
अरे मैं तो हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है हाँ यस यस बहुत बढ़िया भाई सूबेदार साहब बहुत बढ़िया आपने तारीफ आपका एक बार सामने देखो जी आशीष पंच आए मंच पर एक मनोज कुमार आए। अब मैं अगली कड़ी में देश राम को आमंत्रित करूंगा वो नेताजी को पगड़ी पहनाए। आशीष पंच आए जो मोमेंटो नेताजी को पेश कर रहे हैं बहुत 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 धन्यवाद। मनोज कुमार ये नौजवान साथी बड़ी मेहनत और लगन से नेताजी के लिए लगे हुए हैं हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मनोज जी का। श्रीराम कॉलेज से एडवोकेट मेरे साथी भाई मनीष जो मनीष दीवान जो बीजेपी को छोड़कर हमारे में शामिल हो रहे हैं हम उनका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं तालियां बजाएं बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप तो बुद्धिजीव हैं और सही समय पर सही निर्णय लिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पुरावटा से युवा नेता जो सुबह से लगे हुए हैं जो एक कड़ी से कड़ी मिलाकर जो बच्चों ने मेहनत करी है इनकी काबिले तारीफ है। संविधान ने बना दिया आज बच्चे करे पढ़ाई कोला पुड़िया पारिक बस अड्डा और कोरट नहीं बनाई गाम गाम के अंदर देखो ये पक्की गली करवाई फिर इनकी खतर नौकर छोड़ दिया करते रोज सफाई हाँ चंडीगढ़ की तरह ये हमारा महेंद्रगढ़ चमकाया बिछड़ा हुआ इलाका अंदर आगे कदम बढ़ाया हरिजनों को पलाट दिवा दिए नई बसालो डाणी। हमारे सरपंच प्रतिनिधि जो राहुल और उसकी टीम ने बड़ा इस प्रोग्राम में राहुल सरपंच प्रतिनिधि ने बड़ा योगदान दिया है और सुबह से अपनी युवा टीम को लगे हुए और बढ़िया जोर शोर से नेताजी के जो इलेक्शन कैंपेन का वो कर रहे हैं जिसके लिए वो काम भाई माता बहनों ने बुजुर्गों ने आशीर्वाद देके जबरदस्त अभिनंदन और स्वागत अपने गांव तक पहुंचने के लिए किया उसके लिए मैं 36 बिरादरी का सब भाई और बहनों का दिल से और गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आप आज हम एक निवेदन करने के लिए आए हैं कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे और उनमें आपको तय करना है अपने भावी विधायक का और भावी सरकार की। ये चुनाव मात्र विधायक का नहीं है ये चुनाव सरकार का है। वो क्यों है सरकार का कि सरकार आपकी निश्चित तौर पे कांग्रेस की बन रही है कहीं से लगा ले चंडीगढ़ से नांगल चौधरी होडल से डबवाली किसी से भी पूछेंगे तो एक ही बात सामने आएगी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और जब सरकार बन रही है तो सरकार का हिस्सा वो आपको अपना लेना है और वो तभी ले सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार उनको जबरदस्त तरीके से मतदान करके चुनाव जिताए। मुझे पूरा भरोसा है कि कुरावटा गांव के भाई और बहन एक एक बात को समझते हैं क्योंकि पिछले 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की कमियां रही जो उन्होंने वादे किए जो जुमले बोले जो झूठ बोली उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आज इस समाज का एक एक वर्ग चाहे किसान है जवान है व्यापारी है कर्मचारी है मजदूर है और साधारण व्यक्ति है सबके सब पीड़ित हैं कोई उनकी व्यवस्था से खुश नहीं है। जो आशाएं इन्होंने दी थी वो सब निराशा में बदल गई और अब तो हालात ये है कि नाखुश और एक तरह से ना मतलब जिसे कह सकते हैं कि हम हकीकत के अंदर जिसे विश्वास हो ना इंसाफी और ना विश्वास के साथ में हम गारंटी के साथ ही कह सकते हैं
कि सरकार को पलटने के लिए हर वर्ग ने तय कर लिया है। चाहे हमारे नौजवान साथियों से पूछे कि जब फौज की बात आती, एक अग्निवीर योजना दे करके उन्होंने एक ऐसी चीज हमें दी है जिससे न तो जवान खुश है और न उनके जाने वाले उनके पेरेंट्स खुश है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि 4 साल की भर्ती, 18 साल का बच्चा जब चला जाएगा, 4 साल बाद 75% रिजेक्ट होके वापस आएगा, तो बच्चा किस लिए फौज में जाएगा? न तो उसको एक्स सर्विसमैन का मिलता है स्टेटस, न उसको रीएडजस्टमेंट का मिलता है, न ही उसको पेंशन मिलती है। और अब तो दुर्भाग्यशाली बात यह है कि अगर वहाँ 4 साल के दौरान कहीं भी अगर उसके साथ घटना घट गई और शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। यही हाल किसान का है। हम खेती करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सूखी धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं और पसीने से सींच करके बच्चे का पेट भरना जानते हैं, लेकिन जब अपनी फसल लेके जाते हैं मार्केट में तो वहाँ अपनी मायूसी का सामना करना पड़ता है कि हमारी फसल का उचित भाव नहीं मिल पाता। दोस्तों, ये हाल कर्मचारियों का है। जिन लोगों ने एजिटेशन किया कर्मचारियों ने, यहाँ जिनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, चाहे वो ड्राइंग टीचर थे, चाहे कंप्यूटर टीचर थे, चाहे गैस टीचर थे, चाहे वो उसके बाद में सरपंच थे और उसके बाद OPS, जो गए उनके साथ लाठियां बांधने का काम किया, उन्होंने काम सॉल्यूशन देने की बजाय उसे उलझाने की बात करी। इसलिए आज पूरे प्रदेश में एक आक्रोश है, एक मायूसी है और उस मायूसी के हालात के अंदर सब ने फैसला किया है कि निश्चित तौर पे अब की बार जब भी मतदान होगा वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे और वो रिजल्ट आपके तकरीबन सामने नजर आने लगा है कि आपकी सरकार आ रही है और भाजपा की सरकार जा रही है। ये क्या हो चुकी है बात? अब मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आज कितने कितने वादे किए, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, किसान की आमदनी डबल कर देंगे, क्या यही किसान की आमदनी डबल है कि खाद का कट्टा 50 से 45 कर दिया और कीमत बढ़ा दी, डीजल 45 से 50 था उसको 95 और 100 कर दिया, और अब आज की बात देखें आप तो कौन सी महंगाई की चीज ऐसी है जिस पर इफेक्ट नहीं डाला इन्होंने? तो मैं तो ये कहूंगा कि आज सब आदमियों ने फैसला कर लिया है कि हम सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे और आने वाली 5 तारीख को एक ऐसा परिणाम देंगे जिससे पूरे हरियाणा के अंदर एक मुश्त जबरदस्त बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब इस सरकार को जब बदल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने उनको गारंटी दी, मैं उन गारंटीज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। 7 गारंटी हमने दी है और 20 गारंटी दी है भारतीय जनता पार्टी ने। अब 7 गारंटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन। जब 2019 का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम सत्ता में आए तो आते ही आपको 3100 रुपये पेंशन देंगे। सत्ता में आ गई लेकिन आज तक 3000 अब हुए हैं, पूरे 5 साल बाद 3100 अब भी नहीं हुई। कांग्रेस ये कहती है कि हमें 3151 से कोई संबंध नहीं, हम तो सिर्फ आपकी बात के ऊपर, बुजुर्गों के मान सम्मान के ऊपर 6000 रुपये एक बुजुर्ग को देंगे, दोनों को 12000 रुपये। रही बात इन माँ और बहनों की, जब ये चूल्हे जलाने के लिए बैठती तो सबसे पहले उन्हें सिलेंडर का भाव याद आता है, ये सिलेंडर की कीमत क्या होगी। आज 1200 रुपये तक पहुंच गई है। जब 400 रुपये का सिलेंडर आता था कांग्रेस के टाइम पे तो यही भाजपा के लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, हाय महंगाई, और आज जब 1200 रुपये हो गया तो बोलते नहीं। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि 500 रुपये के अंदर आपको सिलेंडर देंगे, फिर महंगाई को देखते हुए थोड़ी सी राहत आपको देने के लिए 3 बिजली की 300 यूनिट आपको फ्री देंगे, उसमें कोई आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, ये सब का फ्री रहेगा। और भाई जो BPL परिवार है उनके परिवार बढ़ गए, लेकिन प्लॉट कुछ हमने दिए थे उसके बाद इन्होंने 1 इंच भी जमीन नहीं दी। एक परिवार के नीचे, एक छत के नीचे माँ बाप भाई बहन बेटा समाज के और भी कोई गेस्ट आते हैं तो निर्वहन नहीं कर सकते। कांग्रेस ने फैसला किया है कि भाई हमारी सरकार आप देंगे तो आते ही हम 100-100 गज के प्लॉट तो देंगे, साथ में 2 कमरे 1 रसोई 1 बाथरूम भी बना कर देंगे।
इसके बाद एक स्कीम ऐसी है जो हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के अंदर हेल्प करने के लिए दी गई है। पहला सुख निरोगी का ये कहा जाता है, क्योंकि शरीर में अगर पीड़ा दे दी तो चाहे कितने ही पैसे वाला क्यों नहीं हो, रईस क्यों नहीं हो, वो भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरी इस पीड़ा को ले ले, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन हारी बीमारी किसी से पूछ कर नहीं आती, भगवान ने करे हमें जरूरत पड़े। जब बीमारी इस तरह की हो जाती है, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि इसके लिए तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये भी 15 से 20 लाख 25 लाख खर्च हो। वो मायूस आदमी जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं, वो मायूसी में वापस आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं अपना इलाज करा पाता। आज मैं आर्थिक तंगी की वजह से अपनी बदहाली से एक इलाज नहीं करा पा रहा और मैं वक्त से पहले आपको अलविदा कह के जा रहा हूँ। उन हालातों के अंदर कांग्रेस ने फैसला किया कि भाई कोई भी भाई अगर इस तरह की बीमारी से पीड़ित है तो हम उसको 25 लाख रुपए तक का इलाज करने के लिए, और किसी हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में नहीं, वो भी किसी हॉस्पिटल में। पहले ये होता था कि पैनल पे होते थे हॉस्पिटल, ये तीन हॉस्पिटल पैनल पे यही इलाज करा सकते। सबसे पहले इसको काट देंगे, ये काटने की ये कुछ बातें हैं जो हम गारंटी दे रहे हैं। अब एक पत्रकार भाई ने मेरे से पूछा, जी राव साहब आप तो 7 गारंटी दे रहे हैं, भाजपा 20 गारंटी दे रही है। मैंने कहा भाई देखो, कांग्रेस सच्चाई के साथ चलती है, वो उन्हें देने के लिए और पक्की गारंटी देने के लिए बात है। हमने पहले भी किया, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसानों के ऋण माफ करने की बात कही, 72,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ की। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे तो बिजली के बिल माफ करने की बात कही, 1600 करोड़ रुपए बिजली के माफ की। हमारी विश्वसनीयता ये है कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, और भाजपा तो झूठ बोलती है कि उन्होंने जो जो वादे किए, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डलाएंगे, किसान की आमदनी डबल करेंगे, कुछ नहीं किया। तो वो चाहे 20 दे या 200 दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कांग्रेस की विश्वास है, भाजपा का विश्वास नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ, ये बीजेपी यानी बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, इनके झूठ के अलावा कोई काम नहीं, इनसे कोई असर नहीं। फैसला अब आपको करना है, आपके पास